नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को हाई ट्रांसमिशन लाइन जो देखते हैं उसमें जो केबल्स रहते हैं, ये जो वायर रहते हैं वो बहुत ही पतले रहते हैं। वो क्यों पतले रहते हैं इस बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। होता क्या है कि दोस्तों, कि ये ट्रांसमिशन लाइन जो रहता है वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से होके आ रहता है और उसमें जो वोल्टेज रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को हाई करते हैं उसकी जो करंट रहती है वो कम होती जाती है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं पावर को, वो आपका 132 केवी या 220 केवी में रहता है। ठीक है, और आपके घरों में या जो फैक्ट्री में जो लाइन आता है वो 33 केवी के आसपास आता है। मान के चलते हैं कि कोई 5000 केवी का कोई ट्रांसफार्मर है, तो उसके जो एसटी साइड है करंट सिर्फ 87 एम्पेयर करंट होगा। सो 87 एम्पेयर करंट के लिए आपका केबल की कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एलटी साइड की बात करें, जहाँ पे 415 वोल्ट सप्लाई है, उस साइड जो करंट रहेगा करीब 7000 के आसपास रहेगा। सो इसमें केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।